ये तो झारखंड की बात थी, पूरे देश की बात कर लेते हैं। तो देश में एक दिन में कोरोना के 3,62,000 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3,52,000 मरीज रिकवर हुए हैं, ये बेहतर बात है। 4,128 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। भारत में कोरोना से मरने वाले 2,58,353 मरीज अब हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 37,000 के पार हैं। देश में एक दिन में 3,62,000 नए केस मिले हैं। सैंतीस लाख के पार हो चुके हैं एक्टिव केसेस और एक दिन में 3,62,000 नए केस मिले हैं। देश भर की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, एक दिन में 3,62,000 नए केस मिले हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि रिकवरी दर भी बहुत अच्छी रही है। पिछले 24 घंटे में रिकवरी रेट देखें तो अब ये राहत लगने लगी है कि धीरे धीरे हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं, और अगर हम थोड़ी सी सजगता और सतर्कता बरतें तो ये हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम सजग हों और सतर्क रहें तो इस कोरोना को हम हरा सकते हैं, और कमोबेश कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे जो है इसके ऊपर जो है हम सफलता हासिल कर रहे हैं। अगर आप पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो 4 लाख, 4.5 लाख, लगभग 4.75 लाख तक जो है नए केसेस होते थे 24 घंटे में। मौत की संख्या में अभी थोड़ा सा कमी नहीं आई है, क्योंकि लगातार जो है संख्या मौत की बढ़ती जा रही है। आज आप देखें कि 4,028 लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो हम कर रहे हैं, और इससे पहले अगर हम सजग होते तो अपनों को बचा सकते थे, देश को बचा सकते हैं, कि जो पूरे वर्ल्ड में जो संख्या की अगर दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस बार जो दूसरा स्ट्रेन है उसमें प्रभावी हुआ है भारत। कल जो विशेषज्ञ कह रहे थे कि जो 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं उसका भी ट्रीटमेंट, यानी उसको भी वैक्सीन लगाए जाने की बात कही जा रही है, और जो कंपनी बना रहा है उस पर रिसर्च जो है जारी है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें कि हमारी जो संख्या है तकरीबन 130 करोड़ की, उसको हम कितने आप वैक्सीन दे पाए हैं, लगा पाए हैं, ये अभी तक इसकी जो आंकड़े करीब 6 से 7 करोड़ लोगों को ही हम लोग दे पाए हैं। अब बच्चों को ही कहा जा रहा है कि जो तीसरा स्ट्रेन जो आने वाला है और उसमें बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा है, भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाए, और उसके लेकर उसको लेकर के रिसर्च जो है जो कंपनियाँ बना रही है वो रिसर्च चल रही है। अब सवाल उठता है कि अगर हम इस लॉकडाउन में जैसे हमको मौका मिल गया, फिर देश को मौका मिल गया, वक्त मिल गया, इस पर हम कंट्रोल करने की, जो आप आंकड़े देख रहे हैं वो कंट्रोल को आपको दिख रहा है धीरे धीरे करके। अब गैस के लेकर के मारामारी, रेडमिसी जो वैक्सीन है उसको लेकर के मारामारी, या फिर बेड को लेकर के मारामारी अभी भी जारी है, और ये कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द समाप्त कर लिया जाए, लेकिन आंकड़े जो हैं वो अभी भी मन के अनुकूल नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो बीमारी है वो पॉजिटिव जो की संख्या है वो 3 लाख से क्रॉस ही है, और ऐसे में इसको कंट्रोल करना होगा। और हर जगह आप जाएंगे तो आपको खबर मिलेगी कि ऑक्सीजन की कमी है। आप देखिए कई जगह लाशें जो है वो पानी में बहा दिए गए, नदी में बहाए जा रहे हैं, लाशें जलाए जो जा रहे हैं वो पार्कों में जलाए जा रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि महामारी को लेकर के हम जितने परेशान हुए, हिंदुस्तान जितना इसका इस पर इम्पैक्ट रहा, असर रहा, तो इसको लेकर के हम पहले से तैयार नहीं थे। अब धीरे धीरे संख्या कम होते जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि तीसरा वेव जो होगा इससे भी खतरनाक होगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं, सरकार तैयार है, या आम पब्लिक जो है वो मेंटली प्रिपेयर वो तैयार है? तो ऐसे में
जो चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए या फिर जो चीज़ें करना चाहिए, जिस तरह से आप अमेरिका में देखें तो अब बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने शुरू हो गए, पूरे दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगाए जाने शुरू हो गए, कई इंग्लैंड वगैरह रसिया वगैरह ऐसा है जहां पर मास्क को हटा दिया गया है, तो वो उसका कितना कारगर है। ऐसे भारत सरकार की मदद दी जा रही है अमर, जिन देशों में मास्क फ्री जोन हुआ है, जो कंट्री मास्क फ्री कंट्री हुए हैं उनमें, वहां पर देखिए कि आपको सिविक सेंस उसमें सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा रोल सिविक सेंस का रहा है। लोगों ने ये समझा कि उनके लिए जरूरत क्या है, उनके लिए जरूरत है कि वो मास्क पहन के बाहर निकलेंगे जब तक संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होती है, वो उनके लिए जरूरत ये बन गई कि वो सोशल डिस्टेंस फॉलो करेंगे, उनके लिए जरूरत ये हो गई। वहां की गवर्नमेंट ने ये किया कि पहले वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी पर लिया और लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। हमारे यहाँ अगर वैक्सीनेशन है तो अभी भी एक ऐसे एक तबका है जिनमें ये भ्रम है कि वैक्सीनेशन अगर होता है, अगर वैक्सीन लेते हैं तो इसका कुछ और इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे निपटने की भी सरकार और प्रशासन दोनों को जरूरत पड़ेगी, और तब तक जब तक कि एटलीस्ट 30% लोग वैक्सीनेट ना हो जाए, हम सोच भी नहीं सकते कि मास्क फ्री इंडिया हो पाएगा। तो जरूरत होगी, अब जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब तो 18 प्लस भी शुरू हो चुका है अमर, अब लोगों को पहुंचना चाहिए और जितनी ज्यादा संख्या में हो सके पहुंचे, और वैक्सीन लेने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन लेने के लिए लोग जो अपने जो उनका जो जगह है जहां समय निर्धारित कर दिया गया है वहां पर वो जाते हैं, लेकिन वैक्सीन उतना अवेलेबल है नहीं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर 18 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। अब उसको धीरे धीरे पूरा करने की बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन अब पहुंचाए जाएंगे और आपको दी जाएगी। आप राजस्थान चलिए, मध्य प्रदेश चलिए, उत्तर प्रदेश चलिए, खुद दिल्ली की बात आप कर लीजिए, और वहां पर वैक्सीनेशन जो सेंटर है वहां पर कुछ ही वैक्सीन उपलब्ध है, जो 2-4-5 देने के बाद जो है वहां पर ताले बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को कह दिया जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम आपको दी जाएगी। तो दिन भर भर जो लोग इस गर्मी में खड़े रहते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद उन्हें वापस कर दिया जाता है, 2-4 दिन के बाद फिर से उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो ऐसे में लोगों के मन में एक संदेह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि राज्यों से, राज्य के मुख्यमंत्री जो खबरें आ रही है वहां से और जो बयान दे रहे हैं कि हमारे पास जो है वैक्सीन नहीं है जो हम लोगों को दे पाए, तो ये एक बड़ी समस्या है। चलिए, तो इन तमाम समस्याओं से निपटना होगा अमर, ये चुनौतियां हैं हमारे सामने जिनसे निपटना सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम सभी की सहभागिता भी बहुत अहम होगी अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश भी मास्क फ्री देश बने, मास्क फ्री जोन यहाँ भी हो। तो इसके लिए ये तमाम गाइडलाइंस जो जारी किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, वो फॉलो करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर, और तमाम जानकारी के लिए। तो भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 258,353 हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि अब संक्रमण की दर में रफ्तार में थोड़ी कमी आई है।